जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक और सामाजिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब, समुदाय वडेल तप चक्रवर्ती आचार्य श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहिब, ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जयनंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब, सुकृत प्रवीण मुनि श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज साहिब, कार्यदक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहिब आदि थाना धर्म कमल हॉल दरेसी में चातुर्मास हेतु विराजमान है। इस मौके पर गुरुओं ने मंगल पाठ और प्रवचन किए। इस मौके पर गुरुओं की पावन निष्ठा में मार्ग शमन तपस्या के 30 व्रत का लाभ रायकोट के श्री लाहौर राम मनोज कुमार आदि नानका और दादका परिवार शामिल हुआ। इस मौके पर समूह संगतों ने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। बोले श्री सुमतीनाथ भगवान की, बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, बोले श्रीमद विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि लुधियाना में चल रहे सर्व मंगल चातुर्मास में तपस्याओं का क्रम अभी भी जारी है और उसमें भी मासक्षमन जैसी महान सुदीर्घ तपस्याएँ हमारे यहाँ पर चल रही हैं। आज परम पूज्य शांतिदूत गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज साहब की पुण्य प्रभावक निश्रा में मासक्षमन की महान तपस्या का पारना करने के लिए हमारा एक बड़ा ही भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, आदर्श गुरुभक्त परिवार, लाला लाहौरी राम जी मनोज कुमार जी के परिवार से उनके पुत्र श्री वस्तुपाल भैया ने 21 वर्ष की युवावस्था के अंदर 30 उपवास की महान तपस्या संपन्न की है। इससे पहले भी उन्होंने इसी चातुर्मास में 9 उपवास की तपस्या संपन्न की थी और उसके बाद उनकी भावना पुनः बनी, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और आज उनके 30 उपवास का पारना यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर उनके पारिवारिक जन, हमारा श्री आत्मानंद जैन सभा रायकोट श्री संघ और सभी गुरुभक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और शासन देव परमात्मा और गुरु भगवंत उनको आशीर्वाद दे, किसी तरह से वो तब जब आराधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करें, आत्मा को शुद्ध बनावें और अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आज हम सब उनके तप की अनुमोदना करते हैं और इसी तरह से हम उनके तप का अभिनंदन। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चंडीगढ़ रोड स्थित अकाई हॉस्पिटल में घुटनों के इलाज का एक फ्री चेकअप कैंप लगाया गया। इस मौके पर कई लोगों ने फ्री चेकअप कैंप का लाभ उठाया। चंडीगढ़ रोड स्थित अकाई हॉस्पिटल में घुटनों के इलाज का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया। इस मौके पर कई लोगों ने फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर कई लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। इस मौके पर डॉक्टरों ने 100 से अधिक मरीजों का इलाज किया और उनको दवाइयाँ दी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष पासी है और मैं अकाई हॉस्पिटल समराला चौक चंडीगढ़ रोड पे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। हमने यहाँ पे आज वीरवार को जोड़ों के दर्द के लिए फ्री चेकअप कैंप आयोजित किया जिसमें करीब 50-60 मरीजों ने इस चीज़ का लाभ उठाया। जैसे कि हमने पहले भी बताया, घुटनों और चूल्हे के दर्द बहुत कॉमन हो गया है, इसमें आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इस चीज़ का सही स्टेज पे सही तरीके से साइंटिफिकली इलाज किया जा सकता है। तो हम लोगों को अपील करते हैं कि हम हर वीरवार ये निःशुल्क चेकअप कैंप लगाया करेंगे। आप इस कैंप में आके हमारी फ्री। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ रविंद्र सराना की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गुरुओं की पावन निष्ठा में सुंदर नगर जैन स्थानक में आयमिल तप का हुआ आयोजन। गुरुओं की पावन निष्ठा में सुंदर नगर जैन स्थानक में आयमिल तप का हुआ आयोजन। हर महीने होने वाले इस तप का आयोजन प्रेम सुख यात्रा संघ की तरफ से किया गया। इस मौके में गुरुओं ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। लाभार्थी परिवार ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया और गुरुओं का आशीर्वाद लिया। जैन श्री संघ लुधियाना में चल रहे सर्वमंगल चातुर्मास के अंतर्गत विविध तप जप आराधना साधना के मध्य आज प्रेम सुख यात्रा संघ द्वारा यहाँ पर प्रतिमाह पुष्य नक्षत्र के दिन आम्बिल तप का आयोजन किया जाता है। गौड़वाड़ भूषण स्वर्ण संत आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज आज सुंदर नगर पधार कर प्रेम सुख यात्रा संघ के इस आयोजन को सफल और आगे भी खूब अच्छे ढंग से सुचारू रूप से
चलता रहे यह आम्बिल तप, जो कि आम्बिल तप यह हर तरह से शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखता है। ऐसे आम्बिल तप जिसका आयोजन यहाँ पर प्रतिमाह होता है, इस आयोजन में आप सभी बड़ी अधिक संख्या में आम्बिल तप करके सुकृत का काम कर रहे हैं। ऐसा सुकृत कार्य आप हमेशा करते रहें, इसी मंगल में भावना के साथ। प्रेम सुख यात्रा संघ द्वारा हर महीने आम्बिल तप का आयोजन SS जैन सभा सुंदरनगर के प्रांगण में बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। इस बार का जो लाभ है वो हमारे समाज के सुप्रसिद्ध परिवार श्री प्रकाशवती जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दुनीचंद जी जैन, आशीष जैन, नीतू जैन परिवार की ओर से लिया जा रहा है। मैं अपने संघ की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे बीच गुरुदेव श्री जैनंद सुरेश्वर जी महाराज और कीर्ति विजय जी महाराज हमारे बीच विराजमान है, जो हमको आशीर्वाद देने आए हैं और मैं आशा करता हूँ वो आगे भी ऐसे हमें आशीर्वाद अपना प्रदान करें ताकि हम इस धर्म की लहर को और ज़ोर शोर से आगे बढ़ाने का करें। मैं उनका संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 7 तारीख को हल्का लंबी में कांग्रेस पार्टी की होने वाली रैली को लेकर लुधियाना के सर्किट हाउस में कांग्रेसी वर्करों की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया। 7 तारीख को हल्का लंबी में कांग्रेस पार्टी की होने वाली रैली को लेकर लुधियाना के सर्किट हाउस में कांग्रेस वर्करों की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रधान गुरप्रीत गोगी व अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीटिंग में कांग्रेस से बदल पंजाब प्रधान निर्मल केड़ा भी मौजूद रहे। रैली नू रहके समूह जत्थेबंदक ढांचे नाल से बैठ के जिन्ने मुखी ने कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सफाई अपने SC डिपार्टमेंट, ठीक है, दलित समाज, यूथ, सारे नाल, मतलब जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लाक प्रधान, कौंसल साहबान, MLA साहबान, सारे नाल बैठ के अच्छ कौंसल साहबान सारे नाल बैठ के अच्छ असी ये अपनी ड्यूटियां लाइया ने कि जो कि 7 तारीख को सवेरे 7 बजे असी सारे ने इकट्ठे होकर जिहड़ी नेकी और बदी की लड़ाई आ, नेकी और बदी की रैली आ, सच्चाई की रैली है जो साड़ी, जो जनता दियाँ असी भावनावां ते साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1.5 साल के अपना विश्वास पूरा बनाया और जिहदे नाल के किस तरीके नाल पंजाब तरक्की वाल जा रहा, किस तरीके नाल नशे नूं रोकिया गया, किस तरीके नाल किसानां दे कर्जे वंडे गए, किस तरीके नाल व्यापारियों लई कम दुबारा तो देखो तुसीं मंडी गोबिंदगढ़ वगैरह भी चल पिया, सारा कुछ हर पास्यों मतलब खुशहाली दियाँ किरणां आणियां शुरू हो गईयां ने, जो कि असीं हुण 7 तारीख नूं रैली दे विच जा के समूह लुधियाणा दी सरदार रवनीत सिंह पिट्टू जी मैंबर पार्लीमेंट की रहनुमाई दे विच असीं जा रहे हैं सारे, जो कि असीं वध चढ़ के रैली नूं असीं कामयाब करने की पूरी कोशिश करांगे। तपो राज ते राजो नरक, हुण बादल परिवार ने जदों राज करन तों बाद नरक भोगन की वारी आई है ते हुण थरथरा रहे ने, ये आम जनता है, जर जावे 2 साल ना बोले 5 साल, 10 साल भी मूंह जिंदे ला के बह जाती है, तो जे 10 साल बाद भी कोई क्रांति नहीं आती तो 10 साल का हिसाब 10 मिनटा च पिया कर दी है। देखो पिछले 10 साल का हिसाब 10 मिनटा किया ना, अज 2 साल चलो समूह पंजाबी अमन शांति अपनी चैनो अमन नाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर यह कुछ हरकत। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ रविंद्र सराना की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पूज्य गुरुदेव श्री आत्माश्रम रतन तपोभूमि महानगर लुधियाना में श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूजनीय श्री आत्माराम जी महाराज के पौत्र, शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनिजी महाराज के सुशिष्य दिन शासन सुरपवर्तक श्री पीयूष मुनिजी महाराज SS जैन सभा सिविल लाइन्स में चातुर्मास हेतु विराजमान हैं। इस मौके पर उन्होंने मंगल पाठ और प्रवचन किए। पूज्य गुरुदेव श्री आत्माश्रमण रतन तपोभूमि महानगर लुधियाना में श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूजनीय श्री आत्माराम जी महाराज के पौत्र, शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनिजी महाराज के सुशिष्य दिन शासन सूर्यवर्तक श्री पीयूष मुनिजी महाराज SS जैन सभा सिविल लाइन्स में चातुर्मास हेतु विराजमान है। इस मौके पर गुरुओं ने मंगल पाठ प्रवचन किए। इस मौके पर गुरुओं ने आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया और आए हुए भक्तों ने गुरुओं के प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाया। श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज
लुधियाना से कैमरामैन मठारू के साथ अरविंद सराना की रिपोर्ट। संथारा साधिका उपरिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी के सुशिष्य, उत्तर भारतीय परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज के सुशिष्य, जय शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज आदि थाने 8 मंगल में चातुर्मय सेतु एस ए जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां उन्होंने मंगल पाठ प्रवचन किए। संथारा साधिका उपरिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी के सुशिष्य, उत्तर भारतीय परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज के सुशिष्य, जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज आदि थाने 8 मंगल में चातुर्मा सेतु एस ए जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां उन्होंने मंगल पाठ प्रवचन किए। इस मौके पर गुरु ने आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया और आए हुए भक्तों ने गुरुओं के प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाया। उस व्यापार के अंदर, सौदेबाजी के अंदर इन्होंने सोच लिया था, ऐसी धारणा बनाई थी कि मुझे 4 लाख का फायदा होगा। क्या सोच लिया था? 4 लाख का फायदा होगा, पर इन्हें 4 लाख का फायदा नहीं हुआ, पर 2 लाख का फायदा हुआ। गुरुजी जी, मैं 2 लाख के फायदे की सोच रही हूँ तो मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, पर ये 2 लाख का जो घाटा लगा है, जो इन्होंने सोचा था 4 लाख का फायदा होगा, वो उसके बारे सोच रहे हैं कि 2 लाख का नुकसान हो गया। तो जो खो गया इंसान उसमें जी रहा है, इसीलिए दुखी है, अभाव में जीने की आदत है। जो नहीं मिला उसमें जीना दुखी होने का कारण है। एक औरत गुरनी जी महाराज के पास आई और कहने लगी, गुरनी जी मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? मेरे पति मुझे स्कूटर पर लेकर आए हैं जैन उपाश्रय के अंदर, स्थानक के अंदर, पर नीचे खड़े हैं, ऊपर नहीं आते। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तुम भी दर्शन करो, प्रवचन सुनो, सेवा करो, तुम भी कुछ धर्म ध्यान करो, पर नहीं, नीचे खड़े हैं, ऊपर नहीं आए। सामायिक नहीं करते, सेवा नहीं करते, प्रवचन नहीं सुनते, धर्म ध्यान नहीं करते। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। मैं ऊपर आई हूँ, वो नहीं आई दर्शन करने। गुरनी जी कहते आज के बाद। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अरविंद सराना की रिपोर्ट। जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में काफी दिनों से कई तरीके की शिकायतें आ रही थी। शिकायतों के लिस्ट लंबी होते देख आज आधी रात को SMO तरलोचन सिंह जी ने चेकिंग की। जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में काफी दिनों से कई तरीके की शिकायतें आ रही थी। शिकायतों की लिस्ट लंबी होते देख आज आधी रात को SMO डॉक्टर चरणजीत ने चेकिंग की। टेम्पररी तौर पर डॉक्टर तरलोचन सिंह जी को भी चार्ज मिला। उन्होंने कंप्लेंट पाई कि रात को काफ़ी स्टाफ गैर हाजिर होता है और स्टाफ में कुछ लोग शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे होते हैं, जिस कारण काम नहीं हो पाता, जिस कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं सिविल हॉस्पिटल की कई लाटें रात को भी काम नहीं करती। वहीं ये भी पता चला कि गायना वार्ड में जो भी लोग आते हैं, वहीं उन्होंने ये भी पता किया कि गायनी वार्ड में जो भी आते हैं उनको सोने का कोई प्रबंध नहीं होता और एक बिस्तर पर दो दो लोग सोते हैं। और भी कई कमियाँ थी जो कि चेकिंग के दौरान सही पाई गई और भी अन्य कमियां नजर आ रही हैं। बेसिकली ये देखने लिए थी कि स्टाफ सारा इतने मौजूद होता है या नहीं होता। सैकेंड साढ़ा ये कि कल सू कंप्लेट हुई थी कि स्टाफ लोग पी के इतने आते हैं, वेखना चाहते थे क्योंकि साढ़ा कर्मचारी तो नहीं जो शराब पीता। दूजी गल किसी अज कोई बंदा सू मिल जाए जिन्हें शराब पीता होते बेसिकली। तीजा साढ़ा ये कि हस्पताल के कोई बहुत ज़्यादा नेरा एरिया तो नहीं जिसे लाइट ना हो, जलंधर से पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह जी के देवस को समर्पित
लुधियाना में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लुधियाना के शहीद भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े को समर्पित एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश में जो आज़ादी की लहर या मुहिम शुरू की थी, जिस वजह से अंग्रेज़ों को उन्होंने यहाँ से मार भगाया, आज हमें उनके जन्म दिवस को समर्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने उनको याद करके और उनकी बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के कार्यक्रम तय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर हमारे समाज का यूथ उनके विषय में संपूर्ण जानकारी रखे तो हमारे शहीदों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहीं ना कहीं हमारा यूथ आज हमारे समाज के लोग इन शहीदों को भुलाते जा रहे हैं। इस मौके पर आए हुए गणमान्य लोगों ने कई और विषयों पे अपने विचार व्यक्त किए गए। आयोजकों द्वारा आए हुए लोगों का धन्यवाद किया गया और उनका स्वागत भी किया गया। अज असी सरदार शहीद भगत सिंह जी के 111वें जन्मदिन उत्ते देश वासियों लख लख बधाइया दें, तो असी आस करते हैं भी साडे जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ नशियां तो ग्रस्त जिहड़ी हैगी आ देश वासियां, ये नशे त्याग के जिहड़ा भ्रिष्टाचार जिहड़ा भी हैगा देश नूं त्याग नशे त्याग के इस तरह ही साडा सहयोग दिंदे रहणगे तां जो प्रेरणा मिल सके इन्हां बच्चियां नूं भी भगत सिंह ने साडे देश लई कुर्बानियां कीतियां जिन्हां दे कारण असी आजादी दा निघ माण रहे हैं। जिथे असी भगत सिंह जी नूं याद करते हैं उत्थे मेरे बड़े वीर साहब प्रकाश सिंह मठाड़ू जिन्हां ने इस रीत नूं चलाया सीगा, भगत सिंह दा जन्म दिहाड़े शहीदी दिहाड़े मनाउंदिआं उन्हां ने मनुखता की सेवा के नाल नाल समाज सेवक भी नाल नाल करते रहे, उन्हां दी रीत नूं अगे अगे चलाउंदे होए दास अकणे तुहाडे सारिआं दे साथ नाल अकणे सेवावान सेवा निभाउंदा रहेगा। लुधियाना से कैमरामैन मठारू के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा लुधियाना में एक बैठक का आयोजन करवाया गया। लुधियाना में यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा एक बैठक का आयोजन करवाया गया, जिसमें यूनाइटेड प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि पत्रकारिता के बुनियाद को और बेहतर बनाने के लिए 27 तारीख को एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि सेमिनार में पुलिस अधिकारी, छात्रों एवं राजनेताओं को बुला के एक गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर यूनाइटेड प्रेस क्लब के अधिकारियों के साथ साथ आम मेंबर भी मौजूद रहे। आज साड़ी लुधियाना क्लब के विच यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिदे विच ये फैसला लिता गया कि आने वाली 27 तरीक नूं जो शनिवार है एक सैमीनार करवाया जाएगा। पुलिस, पब्लिक, प्रेस ते पॉलिटिशियंस दे उत्ते एक सैमीनार कराया जाएगा और जिदे विच जिहड़े बहुत पुराने साडे दिग्गज जिन्हां नूं आपां कह सकदे हां पत्रकार ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਆਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਠਾਰੂ ਕੇ ਸਾਥ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਲਾਨਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬਸ ਇਹੀਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ कुछ और नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए और बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।